मैं बहुत ही एक तरफ प्राउड फील करती हूँ कि हिंदुस्तान की बेटी हवाई जहाज़ उड़ा रही है, और दूसरी ही तरफ मुझे बहुत अफसोस होता है कि हिंदुस्तान की बेटी का गैंग रेप हो रहा है, अभी तक उसके कातिल जो हैं वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। जस्टिस की मांग यहाँ पर की जा रही है। क्या लगता है वो महिला मोर्चा की भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो अभी आवाज नहीं उठेगी तो कभी आवाज नहीं उठेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। भारत माता की जय। आवाज ये पूरे भारत वर्ष में जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. देखिए मैं एडवोकेट लीना देवी J&K हाईकोर्ट। आज कैंडल मार्च सड़कों पे उतरना पड़ रहा है हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं इस देश की भारत की भारतवासी की, और मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। मुझे शर्म आती है, मैं ये चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत को तार तार किया गया है, मुझे निवस्त्र किया गया। आई हैव बीन ब्रूटली गैंग रेप्ड, माई मोडेस्टी इज डैमेज्ड। बचा क्या पीछे? बात करते हैं मणिपुर की उन दो लड़कियों की, वो मैं ही हूँ। हम ये नहीं कहेंगे कि उन लड़कियों के साथ गलत हुआ, वो मेरे साथ गलत हुआ, हम सब लड़कियों के साथ गलत हुआ, हम सब नारियों के साथ गलत हुआ। आवाज़ उठाएंगे हम, और मैं कंडम्ड करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ। सबसे बड़ी बात 4 मई का इंसिडेंट था, बट मैं निंदा करूँगी, कंडम्ड करूँगी ये अपना मास्क उतार के, छुपा के नहीं, अब मैं अपना चेहरा नहीं छुपाऊँगी। 4 मई 2023 का इंसिडेंट था, ठीक है, और FIR का ब्लाउज होती है 21 जून 2023। कितना डिले है FIR लॉन्च होने में, इतना डिले क्यों, सिस्टम वीक क्यों? मैं उस देश की वासी हूँ जिस पे मुझे प्राउड फील होता है, बट अब मुझे कसम से बहुत शर्म आ रही है। 21 जून 2023 को FIR लॉन्च होती है और एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है 17 जुलाई 2023। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये सिस्टम है, और सुनने में आया है मोर देन 30 पीपल्स वर देयर जिन्होंने उन दो बच्चियों के साथ, उन लड़कियों के साथ, मेरे साथ नेक्ट मुझे करके नेक्ट परेड कराई गई, और अभी तक सिर्फ 4 मुलजमान ही अरेस्ट हैं। डिले क्यों FIR लगाने में, एक्यूज को पकड़ने में डिले क्यों, क्यों सब चुप्पी छाए हुए हैं, ये चुप्पी क्यों? ये समानता का अधिकार, ये मेरी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अरे पहले हमारी इज्जत तो बचाओ, पहले हमारी इज्जत बचाओ, फिर हमें पढ़ाने की बात करो आप। क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे क्यों इतना ब्रेक दिया गया? देखिए जो है जात पात पे लड़ना, ठीक है, इस तरह की कंट्रोवर्सी होना जो है, ये कुछ सिस्टम जो है ठीक नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे कई वो मैं आप सब जानते हो कि कितना डिले हो रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कई खामियाँ हैं, कई कमियाँ हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कितना खोखला है, मैं अंदर से कितनी खोखली हूँ, कौन कितना खोखला है, ये हम सब जानते हैं। वीडियो जब वायरल होती है तब उन मुलजमान को अरेस्ट किया जाता है, तो वीडियो वायरल अगर ना होती तो मुलजमान अरेस्ट नहीं हो सकते क्या? किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन फिर? कितने काबिल अफसर बैठे हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, कितने काबिल अफसर बैठे हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में? मेरी यही गुजारिश है कि भारत देश की इज्जत को तार तार मत करो। मेरी इज्जत तार तार है, हम औरतों की इज्जत तार तार है, इसका मतलब भारत की इज्जत तार तार है। शुक्रिया।
सर देखिए मणिपुर में जिस हिसाब से आजकल हो रहा है, एक राइट की सिचुएशन हो गई है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर में दो कुकी वेमेन देवर परेडेड नेकेड, उनके कपड़े फाड़ के उनको पूरा नंगा करके उनको घुमाया गया है, गैंगरेप किया गया है। और क्या हमारे जो प्रधानमंत्री है और जो हमारी मैडम प्रेसिडेंट है वो कहाँ है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम बोलते हैं सेक्शन 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। जब हम बात करते हैं सेक्शन 354 की तो मणिपुर में 354 क्यों नहीं लग रहा है? राइट, लॉ कहाँ गया? उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री की सुरक्षा की, तो औरतों की सुरक्षा तो सबसे पहले प्रधान है, इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहे? ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ हो जाना चाहिए। बात देश की है, आज की बात पॉलिटिक्स की नहीं है। हर एक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको एक साथ आके इस मैटर पे बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल मीटिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि देश को कैसे बचाना है। अगर आज भी हम अलग अलग करते रहे कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी, ये एनसी, पीडीपी है, तो लोग ख़त्म हो जाएंगे। वी हैव टू टॉक अबाउट इंडिया टुडे। जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद ही कहने के लिए जा रहा कि इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ, क्या कहना सर? बेसिकली वहाँ इंटरनेट शटडाउन हो गया है। जब इंटरनेट शटडाउन हो गया कि कुछ लोग से वीडियोस बना पा रहे हैं, बाहर भेज नहीं पा रहे हैं। अब ये जो वीडियो है ये 4 मई का है, 3 मई को राइट्स शुरू हो गए थे, और ये 4 मई का वीडियो है। उसके बाद जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो FIR लॉन्च हुई है, जो अरेस्ट हुए हैं, वो बहुत ही धीमी गति से हो रहे हैं। इसमें इसको कहते हैं लैप्स करना। जब एक वीडियो है आपके पास, उसमें शक्ल दिख रही है आपको, तो आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा लैप्स है। मैं यही कह रही हूँ ना आपको, जो सेक्शन 354 है आपको वो लानी पड़ेगी, अब उसको अमल में लाना पड़ेगा, 375 को अमल में लाना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए जैसे कि मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है दो महिलाओं को लेकर, हम उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कैंडल मार्च के लिए जो हमारी फीमेल एडवोकेट्स हैं वो यहाँ अम्बेडकर चौक में इकट्ठा हुई हैं। मैं बहुत ही एक तरफ प्राउड फील करती हूँ कि हिंदुस्तान की बेटी हवाई जहाज़ उड़ा रही है, और दूसरी ही तरफ मुझे बहुत अफसोस होता है कि हिंदुस्तान की बेटी का गैंग रेप हो रहा है, अभी तक उसके कातिल जो हैं वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। मुझे अफसोस है कि 2023 में भी मतलब इस तरह से वारदातें हो रही हैं। दिल्ली में अगर देखा जाए तो चाकू छुरियों से एक लड़की का जो है वो कत्ल किया जाता है, उससे पहले एक पति अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े करके जो है प्रेशर कुकर में जो है वो मतलब उसकी लाश को छुपाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ये मैं किसके ऊपर मतलब ब्लेम करूँ? हमारे लॉ अगर इतने सख्त हैं तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो प्रोसेस में आती है, एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। मणिपुर में जो देखा गया, 1 महीना मतलब लगा उनके कातिलों को पकड़ने में, और वो भी 4 कातिल देखा गया कि वो पकड़े गए, डेड बॉडीज़ तक का अभी पता नहीं है। उसकी फैमिली को जो है वो पूरा मतलब मर्डर किया, भाई बहन उनको मतलब एक जाति पाति की वजह से। आज के देश में जहाँ हमारी प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल है और देश की बेटियों का ये हाल है, ये सिर्फ मणिपुर का नहीं हाल है, आप ये देखें दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है, ये आज उन दो बेटियों के साथ हुआ, कल को मेरे साथ हो सकता है, कल को आपके साथ हो सकता है, आपकी बेटी बहू घर की बहनों के साथ हो सकता है। तो महिला सुरक्षित कहाँ है? तो मेरी सभी से ये अपील है कि वो सभी जो हैं वो बाहर आएँ और उसके हक के लिए, उसकी जस्टिस के लिए आए, क्योंकि अगर हम प्रेशर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फास्ट ट्रैक पे जो है प्रोसेस चलेगा। शुक्रिया। कहीं ना कहीं डिले भी किया गया है, कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखें वीडियो अगर वायरल नहीं होती तो मुझे लगता है ये मुद्दा सामने नहीं आता। तो वीडियो वायरल हुई है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर अगर हम देखें कि नहीं भी है तो इतना डिले कहाँ आ रहा है? ऐसी कौन सी है, क्या करप्शन चल रही है, ऐसी कौन सी कमी जो है, जो वो ऐसा लैप्स है, वो कौन सा गैप है, उसे भरने की जो है वो कोशिश की जाए। मुझे मणिपुर गवर्नमेंट से ये अपील मैं करती हूँ, हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी से मैं ये अपील करती हूँ कि वो जो है हमारी महिलाओं के लिए खड़ी हों, तभी हम सुरक्षित जो है वो महसूस करेंगे। देखिए बहुत ही दरिंदगी से भरी हुई वारदात हुई है 4 मई को, जिसका पूरे भारतवर्ष को नहीं पता था, मणिपुर जानता था कि ऐसी दरिंदगी से भरी हुई हरकत हुई है 4 मई को, और 21 जून को FIR होती है। देखिए हमारी परेशानी का आलम यह नहीं है कि आप सब लोगों को उठाकर जेल में डाल दो, हमारी परेशानी का आलम यह है कि अगर कहीं पर छोटी सी वारदात होती है पुलिस एक सेकंड में उन लोगों को उठाकर थाने ले जाती है। यहाँ सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो के बाद क्यों
पहला अक्यूज पकड़ा गया, जब वीडियो सामने है, चेहरे सामने हैं, बड़े बड़ी इज्जत के साथ वो लोग दो औरतों को, और कहा जा रहा है कि एक औरत और थी, उनको वो नेकेड लेके जा रहे हैं, उनको वस्त्रहीन किया, उसके बाद जो भी दरिंदगी की उन्होंने, कहते हुए भी शर्म भी आती है और कहते हुए डर भी लगता है। लेकिन हमारा आपसे एक ही सवाल है, बतौर वकील, आज हम बतौरे आम आवाम नहीं है यहाँ, आज हम एज अ लॉयर है यहाँ, आप हमें ये बताएं कि 21 जून की FIR जो जीरो FIR थी, उसके बाद आप सोशल मीडिया की वायरल वीडियो तक किसका इंतज़ार कर रहे थे, उसका हमें जवाब दीजिए, उसको पूरे भारत को जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप इतने बड़े टाइम लैप्स के बाद अक्यूज को खुला छोड़ते हैं ना, तो उसकी हौसला अफजाई होती है, वो कहेगा मैंने दो तीन के साथ किए, मैं औरों को पकड़ूंगा, और ये बहुत बड़ी दरिंदगी है। ये मतलब आज के वक्त पे जब हम लोग कहते हैं, मुझे ये लगता है कि जो औरत सेफ है ना, वही औरत एम्पावर्ड है, वही औरत एम्पावर्ड है। अगर मैं सेफ नहीं हूँ और मैं PhD हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर हूँ, या मैं कोई ब्यूरोक्रेट हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, उसका क्या फ़ायदा मेरे सशक्त होने का, अगर मैं सुरक्षित नहीं। आप हमें सुरक्षित कीजिए, हम आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं, और हम चाहते थे कि जन आंदोलन होता, लोग रोडों पर उतरते, क्योंकि बेटियां सबको प्यारी है, माँ सबको प्यारी है, बेटी सबको प्यारी है, बहू, हर रिश्ता सबको प्यारा है, बहन का भी। लेकिन आप ऐसा ना करें, पिछले 10-12 सालों से हम देख रहे हैं कि घिनौनी से घिनौनी, दरिंदगी से भरी हुई हरकतें हो रही हैं। क्या वो शक्ति रोल मिल केस था, क्या वो निर्भया कांड था, क्या पीछे आपने देखा वो डेंटिस्ट डॉक्टर थी, आज तो नया काम पकड़ लिया, मार भी डालो, पहले गलत काम करो, उसके बाद पकड़ो, अलग तरीके से दरिंदगी से भरकर उसको मार डालो ताकि सबूत मिट जाएंगे। ये नहीं होगा भैया, आपको डेटरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं वकील हूँ, मैं नहीं कहती उसको अभी पकड़ो और फांसी दे दो, फांसी नहीं देनी है उसी वक्त, लेकिन देनी है 1 महीने की 2 महीने की स्पीडी ट्रायल कर उनको हैंग करो, चाहे वीडियो में दिख रहे हैं, अब किसकी ज़रूरत है आपको ढूंढने की। और आप 19 जून को पहला क्यूज पकड़ते हैं, और आप बोलते हैं कि भाई हम 4 मई से 19 जुलाई तक आराम से बैठे हुए थे। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, मैं दोष दूंगी कि आप वो मेंटालिटी चेंज करें, आप एक जो विमेन सेफर प्रोविजंस है ना, देखिए कानून सशक्त है, जुडिशरी सशक्त है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसी टाइम बोला कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो मैं करूँगा, हम सशक्त हैं, लेकिन आपको अपनी एजेंसी को सशक्त करना पड़ेगा, आपको अपनी एनफोर्समेंट एजेंसीज को, जब लोग पुलिस से डरेंगे, जब लोग रोड पे खड़ी हुई हर एजेंसी से डरेंगे, तो किसी की जरूरत नहीं होगी ये सब करने की। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो जाती है कि आपने उस स्टेट की बात क्यों नहीं की, उसके क्यों नहीं की, रेप इज़ अ रेप, गैंग रेप इज़ अ रेप, आपको इन चीज़ों को कंडेम कर रहे हैं, आपको कंपेरिजन्स नहीं कर रहे हैं, हर जगह औरत की इज्जत जा रही है। और मैं आपको एक दुख भरी बात सुनाऊंगी, गूज़बम्स आते हैं बाजू में, एक जो औरत 46 साल की है, वो हमारे करगिल वॉर हीरो की बीवी है, सूबेदार है, उन्होंने ये कहा, आप सोचे कि उस आदमी पर क्या बीता होगा, उसने कहा मेरे सामने मेरा घर लूटा, मेरा पैसा लूटा, मेरा माल मवेशी लूटा, और मेरे घर की इज्जत भी लूटी। क्या लोगों को दहशत नहीं आती, क्या लोगों की बाजुओं में सरकंडे नहीं आते, लोगों को ये फील नहीं होता कि जो एक फौजी हमारे लिए कहाँ जाकर लड़ रहा है, हमें उनकी बीवियों को, उनकी बच्चियों को, उनके घर वालों को सुरक्षित करना है कि नहीं। हमारा एक ही मुद्दा है, हम किसी को कंडेम नहीं करते, हमारा ये है कि हमें ये इंसिडेंट्स रिपीट नहीं चाहिए, आप जो मर्जी करें, जो जैसे मर्जी सशक्त करें। मैं जानती हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय पुलिस, हर स्टेट की पुलिस बहुत सशक्त है, चाहे तो एक रात में कुछ का कुछ मुद्दा निकाल सकती है बाहर, लेकिन जहां उनको रोका जाता है, जो लैप्सेस हुए होंगे, आपको वो निकालने पड़ेंगे, और आपको अपनी नारियां, आपको अपनी बहनें, आपको अपनी जननी को सुरक्षित करना। नाम की बात, सब खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, जस्टिस के लिए, बिल्कुल, लेकिन जस्टिस कहाँ से स्टार्ट होती है, जब कोई ऑफेंस होता है, ऑफेंस होने के बाद ही जस्टिस मिलना शुरू हो जाती है, जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी जस्टिस कहाँ से मिलेगी, ट्रायल कोर्ट क्या करेगा, लोग जज कोर्ट में बोलते हैं कि ये क्राइम हुआ, सब कुछ सबको पता है, लेकिन इन द एंड क्या हुआ, कल्प्रिट बाहर है, कैसे बाहर है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्रॉब्लम है, वो नहीं करती है काम, सुओ मोटे लेने की क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को, जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई जज आए ना आगे क्या करेंगे जजेस, लेकिन पहले काम किसका है, अथॉरिटी किसको मिली हुई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, चाहे वो कोई भी हो, जब वही काम नहीं करेगी जस्टिस कैसे मिलेगा, और जब तक कोई भी डिपार्टमेंट अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा कभी किसी इंसान को जस्टिस नहीं मिल सकता। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, दरिंदगी कुछ आदमियों ने की है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे भारतवर्ष में देना बहुत ज़रूरी है कि आपने अब हर आदमी को नहीं समझना वो रेपिस्ट है,
क्योंकि जो आदमी औरत है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हमें ये नहीं, एक मैसेज नहीं देना कि सारे ही रेपिस्ट हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भाई हैं, बाप हैं, अपने हस्बैंड्स हैं, आपने हर बंदे को ब्रांड नहीं करना है, लेकिन हाँ इस दरिंदगी के खिलाफ सबको बोलना है। ये कैंडल मार्च आपके लिए रखा गया है इसलिए, ये बताने के लिए कि हम उन विक्टिम्स के साथ हैं जिनके साथ मणिपुर में ये इंसिडेंट हुआ। जिस तरीके से उनको मार्च करवाया गया, जिस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया गया, आज हम लोग ये सोचकर कांप जाते हैं कि किस तरीके से वो क्या सोचती होंगी वो लेडीज़। एक तो वॉर अपने कारगिल वॉर के वॉरी वो हैं, आर्मी में हैं, जिनकी वाइफ थी ये। एक हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों को जो लोग हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सेफ्टी करते हैं। तो हम लोगों का क्या फ़र्ज़ है इस चीज़ में कि हम लोग कहाँ आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हम लोगों की अंदर से आत्माएं कांपती हैं ये सोच कर के क्या हो रहा है और हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो इस कैंडल मार्च का एक ही मुद्दा है कि वी कंडेम स्ट्रॉन्गली द इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड इन मणिपुर एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड एंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज शुड बी सर्क्यूलेटेड थ्रू दिस कैंडल मार्च that we will not tolerate this kind of behavior and we ensure as advocates in the court that some people who are involved in such kind of offenses they must get the punishment accordingly and severe punishments. This is my say. Thank you.